भोपाल में एम्स में नर्सिंग स्टाफ की समस्या के समाधान के लिए एनएसयूआई ने डायरेक्टर को एक पत्र लिखा है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने भोपाल एम्स में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ की समस्याओं को लेकर ये पत्र डायरेक्टर के लिए जारी किया है, जिसमें बिंदुवार जानकारी देते हुए स्टाफ को हो रही समस्याओं से अवगत कराया है। रवि परमार का कहना है कि मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ इस समय कोरोना महामारी में अपनी ड्यूटी कर रहा है और उनको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हॉस्टल में साफ सफाई की व्यवस्था ना होने से संक्रमण का खतरा दोगुना बढ़ गया है। खाना बिना गुणवत्ता वाला मिलता है, जिससे पहले भी कई बार स्टाफ बीमार हो चुका है। संक्रमण का खतरा होने और निर्देशों के बावजूद डिस्पोजेबल प्लेटों का यूज़ नहीं किया जा रहा। हॉस्टल में ड्यूटी के दौरान स्टाफ को जो पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी वाटर कूलर से खुले बर्तनों में दिया जा रहा है, जबकि मरीजों तक पैकेजिंग का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, स्टाफ जो कि क्वारंटीन में है, उनको ना तो हैंड वॉश दिया जा रहा है और ना ही सैनिटाइज़र, और ना ही उनके रूम को सैनिटाइज किया जा रहा है। एनएसयूआई मेडिकल विंग द्वारा भोपाल एम्स के डायरेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में भोपाल एम्स के नर्सिंग स्टाफ जो कि कोरोना महामारी में ड्यूटी कर रहा है और जो स्टाफ क्वारंटाइन में रखा गया है, उन स्टाफ के साथ कहीं समस्या आ रही है। प्रशासन और भोपाल एम्स का प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं। खाने की गुणवत्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई बार खाने में इल्लियाँ निकली, उसके बाद हॉस्टल में पानी पीने के लिए एक ही वाटर कूलर है, जिसमें भी उनको पानी खुले मग वगैरह में पानी दिया जाता है, जिससे कि उनको संक्रमण होने का अत्यधिक खतरा रहता है। ना ही वहाँ पे पूरी तरह से टॉयलेट वगैरह सफाई की जाती है। वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम भी यूज़ करने के लिए कॉमन है, जिससे कि संक्रमण का खतरा और अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसे में भोपाल एम्स के डायरेक्टर को शिकायत कर ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करवाएँ।